सब्सक्राइब करिए सिंपल स्टाइल टिप्स को और घंटी को जरूर दबाइए जिससे कि आप पा सकें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिंपल स्टाइल टिप्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप विटामिन ई कैप्सूल को यूज़ कर सकते हो अपने फेस को ग्लोइंग फेस बनाने के लिए। दोस्तों, विटामिन ई कैप्सूल यानी विटामिन ई ऑयल होता है इसमें, ये हमारे चेहरे की त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, साथ ही साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसको आप कैसे यूज़ करोगे अपने फेस के लिए, इस वीडियो में आप देखेंगे। और अगर आप दोस्तों ये जानना चाहते हो कि अपने बालों पे इसको कैसे यूज़ करें, कैसे हेयर ग्रोथ फास्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए दूसरे चैनल पे आप मेरी ये वाली वीडियो देखिए। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि बालों पे आप विटामिन ई को कैसे यूज़ करोगे। तो आज हम देखेंगे विटामिन ई कैप्सूल के यूजेस हमारे फेस और स्किन के लिए। मगर उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना कर सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विटामिन ई कैप्सूल में आप एवियन 400 कैप्सूल्स ले सकते हैं। ये 25 रुपीज़ के 10 कैप्सूल्स आते हैं, मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। विटामिन ई का फर्स्ट यूज़ है एज अ अंडर आई जेल। इसको बनाने के लिए आपको एक कटोरी में एक चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और लेना है एक विटामिन ई का कैप्सूल। उसको कट करके जेल निकाल लीजिए और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको हर रोज़ रात में अपने फिंगर की यानी कि रिंग फिंगर की हेल्प से अप्लाई करके हल्के हाथ से इस तरह मसाज करना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, पफ़ी आइज़ हैं या फिर आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो हर रोज रात को आप इसको लगाओ और 5 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक मसाज करो, फिर इसको कॉटन पैड की हेल्प से रिमूव कर दो हल्के हाथ से। इसको आपको अपने आईज पे इस तरह नहीं रखना है, कहीं आपकी आईज में ना चला जाए, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका है एज अ टोनर आप विटामिन ई को यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको 2 चम्मच वाटर लेना है यानी पानी, और उसमें 1 चम्मच ACV डालना है यानी सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, और उसमें आप डालिए 1 विटामिन ई का कैप्सूल कट करके और इसको मिक्स कर लीजिए। अब आपका ये टोनर तैयार है। ये टोनर आप चाहे तो स्प्रे बॉटल में भी भर के यूज़ कर सकते हो या फिर आप कॉटन पैड की हेल्प से भी इसको अपने फेस पे लगा सकते हो। इस टोनर को अप्लाई करने से एक तो आपके फेस पे जो पोर्स हैं, ओपन पोर्स, वो श्रिंक होंगे और डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, दाग धब्बे हैं, वो भी धीमे धीमे करके ख़त्म होने लगेंगे। तो इस टोनर को आप दिन में एक बार ज़रूर यूज़ करें अच्छे फ़ायदे के लिए, और आप इसको 1 हफ्ते तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। तीसरा तरीका है आप इसको एज अ एक्सफोलिएटर यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप एक कटोरी में 1.5 चम्मच दही लो, उसमें 0.5 चम्मच राइस फ्लावर यानी चावल का आटा डालो और 1 कैप्सूल आपको इसमें कट करके डालना है और मिक्स करना है। स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए इस तरह का, फिर आप इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लो। एक्सफोलिएटर मींस स्क्रब बनाया है हमने। ये स्क्रब आपके फेस को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा और साथ ही जो भी दाग धब्बे आपके स्किन पे हैं वो चले जाएंगे। तो हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में आप स्क्रबिंग करोगे जैसे करते हो 1 मिनट के लिए, फिर आप इसको क्लीन कर लोगे। स्क्रबिंग आपको वीक में 1 बार करनी है और इस स्क्रबिंग को करने के बाद आपको फर्स्ट बार में ही इसका फ़ायदा नज़र आएगा, फेस खिला खिला लगेगा। तो पैड ड्राई करने के बाद आप देखिएगा आपका फेस कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, ये थे टॉप यूजेस ऑफ विटामिन ई फेस के लिए, स्किन के लिए। इनको आप ज़रूर ट्राई करिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें। और अगर आप चाहते हो टॉप यूजेस विटामिन ई के बालों के लिए देखना, तो मेरी दूसरी वीडियो देखना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।